तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे ये वाली प्रोफाइल खुल जाएगी, और जल्दी से दोस्तों फॉलो के बटन पर क्लिक कर लीजिए तो आप मैसेज भी कर पाएंगे यदि आपको कोई क्वेरी है। दोस्तों वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और सभी की PDF फाइल भी बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं और डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय को बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए हम डायरेक्ट पहुंचते हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स की सीरीज में दोस्तों यह है 2 नवंबर का करंट अफेयर, और यदि दोस्तों आपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज नहीं देखी है तो आपको दोस्तों प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके डेली करंट अफेयर्स की सीरीज मिल जाएगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही, ये रही थी 77वीं रैंकिंग रही थी। तो अब इसमें देखिए दोस्तों याद कैसे रखें, याद दोस्तों रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप यदि क्वेश्चन की लिंक आंसर से जोड़ देंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, यानी कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी लिंक यदि आप आंसर से जोड़ देंगे तो आपको कोई भी चीज़ आराम से याद रहेगी। आज से हम दोस्तों ये ऐसा स्टार्ट भी करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जल्दी से जल्दी याद हो। तो देखिए दोस्तों एज ऑफ डूइंग, डूइंग आपको दिख रहा है, डूइंग यानी क्या होता है, काम करना। तो अब जब दोस्तों आप जानते हो भारत में जो ग्रामीण लोग होते हैं वो साथ साथ मिलकर काम करते हैं, तो साथ साथ ये आपसे हो जाएगा, आप मान लीजिए इसको साथ साथ को आप पढ़ लीजिए साथ साथ। तो जब दो दो चीज़ें साथ साथ मिलेंगी तो क्या होगा, डूइंग यानी जल्दी काम होगा। तो आपको ये आराम से याद रह जाएगा, एज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है, 77वें है, और न्यूजीलैंड दोस्तों शीर्ष पर आया है। लैंड से आपको याद रह जाएगा, लैंड यानी धरती, और धरती पर ही काम करते हैं, जो धरती पे ज़्यादा काम करेगा वो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। तो न्यूजीलैंड दोस्तों शीर्ष पर रहा, और साथ साथ से आपको आराम से याद रह जाएगा, साथ साथ यानी डूइंग यानी साथ साथ काम करेंगे। तो ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस इंडेक्स है उसमें 77वीं रैंक रही भारत की। इसी के साथ साथ दोस्तों हाल ही में जारी इज ऑफ लिविंग इंडेक्स सूची में आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा था, ये भी आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इज ऑफ लिविंग, लिविंग यानी रहना, आंध्र से दोस्तों आपको दिख रहा है आंध्र, अंधे अंधे थोड़े आपको दिख रहे होंगे, ये दोस्तों ओनली ट्रिक है, इसके लिए आप बुरा ना माने। तो आंध्र से अंधे यानी अंधे लोग आप जानते हो जब रहते हैं तो बिल्कुल संग में साथ साथ हाथ पकड़ वगैरह के चलते हैं, तो ये भी आपको आराम से याद रह जाएगा। हाल ही में जारी जो इज ऑफ लिविंग इंडेक्स की सूची में आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा, ये दोस्तों आप सोचेंगे ना लिविंग आपको रहना आएगा तो आंध आएगा, आंध से आंध्र आ जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरा जलानिधि योजना किस राज्य में शुरू की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए सौरा जलानिधि से आपको ये कैसे याद रह जाएगा, देखिए सौरा से आप मान लीजिए जो सौर ऊर्जा होती है, और सौर ऊर्जा हमें कब प्राप्त होगी, जब सूरज की किरणें होगी, और वायु ऊर्जा में जो सौर ऊर्जा के साथ साथ आपने बहुत जगह पंखे भी देखे होंगे, और पंखे कब प्राप्त होंगे, जब वायु दम से उड़ रही होगी, तो उड़ से आपको याद रह जाएगा उड़ीसा। तो ये क्या हो जाएगा, सौर जल निधि योजना किस राज्य में शुरू की गई, ये उड़ीसा में शुरू की गई। इसी के साथ साथ ये जो योजना है ये किसानों को भूमि सिंचाई के लिए ये शुरू की गई है, यानी तो दोस्तों किसान वगैरह होते हैं उनको भूमि की सिंचाई के लिए ये योजना शुरू की गई है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएंगी और वहाँ के CM नवीन पटनायक जी हो जाएंगे, ये भी आप अच्छे से याद रखें। और इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ दिन पहले उड़ीसा में ही निर्माण कुसुम योजना शुरू की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, कुछ दिन पहले उड़ीसा में ही निर्माण कुसुम योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारसुगुड़ा हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब आप देखिए झारसुगुड़ा जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर क्या वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रखा जाएगा। आपको क्या याद रखना है दोस्तों, हवाई अड्डा तो आप हटा दीजिए, आपको ये याद रखना है वीर सुरेंद्र साई को। अब इसकी लिंक दोस्तों हम इससे कैसे बनाएं, तो देखिए जार का आपको रा लेना है, जार, जार से हो जाएगा वीर, ये हो गया, सू से दोस्तों सुरेंद्र हो जाएगा, और साई आपको याद रखना है बस। तो वीर रे सुरेंद्र रासू मिल गया, तो झारसू, झारसू से ये वीरसू मिल गया, तो वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा राज्य में है, ये भी आप अच्छे से याद रखें। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले दोस्तों इसका उद्घाटन किसने, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था।
और उड़ीसा के भुवनेश्वर में दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप होगा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दो स्टील्थ फ्रिगेट खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत ने क्या दोस्तों दो स्टील्थ फ्रिगेट खरीदने के लिए किसके साथ, रूस के साथ किए हैं। रूस का दोस्तों सा आ रहा है और स्टील्थ का सा आ रहा है, तो ये आराम से याद रह जाएगा। अब देखिए रसिया की दोस्तों राजधानी की क्या है, मास्को, ये आपको इस तरह भी याद रह जाएगा, स्टील, स्टील से आपको दिख रहा है दोस्तों स्टील, और ज्यादातर आप देखते हैं जो मास्क वगैरह बनते हैं वो स्टील के बनते हैं, तो इससे ये भी याद रह जाएगा। दो स्टील फ्रिगेट खरीदने के लिए कहाँ, रूस, रूसी की राजधानी क्या है, मास्को, तो इससे आपको मास्को राजधानी भी याद होगी और देश भी याद हो जाएगा। वहां के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों जो भारत है वो रूस से S-400 एयर मिसाइल भी खरीदेगा। ऐसे ऐसे आप याद हो जाएगा कि किससे खरीदेगा, एस यानी सा यानी रूस से ये खरीदेगा। कौन, भारत रूस से दोस्तों S-400 एयर मिसाइल भी खरीदेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों जो 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा उसमें उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी, ये ओलू होगी, जो कि मलयालम फिल्म है और इस फिल्म को तो अच्छे से आप जानते होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ साथ दोस्तों 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, गोवा में हो रहा है, ये आप अच्छे से याद रखना। कहाँ पर हो रहा है दोस्तों 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, गोवा में हो रहा है, आप अच्छे से याद रखना। 49वां कहाँ पर होगा, गोवा में किया जाएगा। गोवा की दोस्तों राजधानी की बात करें तो पणजी हो जाएंगी, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर पार्रिकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य रथ का उद्घाटन कहाँ किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों जो सौभाग्य रथ है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, जम्मू कश्मीर में किया गया, ये आप अच्छे से याद रखना। आप जम्मू कश्मीर में आप जानते हो बहुत ज्यादा पत्थरबाजी वगैरह होती है, तो वहां पे हमें क्या जरूरत है, सौभाग्य की जरूरत है, तो इसलिए एक रथ चलाया गया। आप ऐसा मान लीजिए ट्रिक के माध्यम से कि सौभाग्य रथ चलाया गया वहां के। देख देखिए दोस्तों राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक है, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, और इसका उद्घाटन दोस्तों बिजली रहित घरों की पहचान के लिए किया गया है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए बिजली घर रहित है, तो बिजली घर जैसे ही सौभाग्य पहुंचेगी यानी कोई सौभाग्य होगा तो आराम से बिजली आ जाएगी। इस ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, जो सौभाग्य रथ है ये जो बिजली रहित घर है उनकी पहचान के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई स्नूकर टूर इवेंट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। कौन सा दोस्तों, एशियाई स्नूकर टूर इवेंट का खिताब जीतने वाले, तो ये कौन बने हैं दोस्तों, पंकज आडवाणी बने हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों पंकज आडवाणी जी को 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के लिए किसे आधिकारिक भागीदार चुना गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप ये याद रखना, पुरुष हॉकी जो विश्व कप 2018 है ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये होगा। और देखिए पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के लिए किसे आधिकारिक भागीदारी के रूप में चुना गया, तो टाटा स्टील को चुना गया है। और जो ये हॉकी विश्व कप उड़ीसा के भुवनेश्वर में होना है, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रखे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, हम वही रखते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों डेली करंट अफेयर आने हैं। तो अब ये तो नहीं है कि हम आपको 20-25 क्वेश्चन देने हैं और आपको बिल्कुल ही याद नहीं हो, हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जो आपके लिए करो। और दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जल्दी से कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर बताएं। और आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों ये जरूर बता दें एक बार कि हमें और क्या बदलाव करना चाहिए, और ये ट्रिक है, इस ट्रिक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना बना के याद किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।